तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 200 डेज एक ऐसे आइलैंड के ऊपर जिसके चारों तरफ बस एसिड एसिड है। पिछले 100 डेज में हमने इस वर्ल्ड के कुछ मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स को लूटा, अपने लिए एक बहुत ही ऑसम सा घर बनाया एंड फाइनली एंडर ड्रैगन को डिफीट किया। एंड इन 100 डेज में भी हमारे पास अपने लिए कुछ गोल्स है। सो अपना पहला गोल इस वर्ल्ड के बाकी सारे सीक्रेट स्ट्रक्चर्स को लूटना, अपना दूसरा गोल है विदर को डिफीट करना एंड फाइनली अपने प्यारे से विलेजेस के लिए एक बहुत ही ऑसम सा मेगा विलेज बनाना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 200 डेज इन एसिड आइलैंड ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो डे 101 में हम लोग स्पॉन होते हैं अपने इस वर्ल्ड में और भाई इस वर्ल्ड को हम लोग काफी दिनों के बाद देख रहे थे तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले तो हमने थोड़े बहुत बेसिक काम किए जैसे कि अपने पिक्स को फीड करवाना एंड इन 100 डेज में हम लोग को वुड की काफी ज्यादा जरूरत थी तो हम लोग चले गए थोड़े बहुत ट्री चॉप करने के लिए। फिर भाई इनफ वुड माइन करने के बाद हमने सारे वुड को स्टिक्स में कन्वर्ट कर दिया एंड चले गए हम लोग विलेजर्स के साथ ट्रेड करने के लिए। एंड इन 100 डेज में हम लोग ट्राई करेंगे अपने आर्मर को मैक्स आउट इंजाइन करने की जिसके लिए हम लोग को विलेजर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। फिर यार थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करने के बाद मैं चला गया चेक करने के लिए यहाँ पे अपने आयरन को और भाई अपना आयरन फार्म भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा था और भाई आयरन फार्म हम लोग को फ्यूचर में काफी ज्यादा काम में आने वाला है बीकन बनाने के लिए। अब भाई अपने पास करने के लिए कुछ नहीं था तो हम लोग चले गए अपने पहले सीक्रेट आइलैंड को लूटने के लिए। सो यार अपना पहला आइलैंड बहुत ज्यादा दूर था एंड काफी देर ट्रैवल करने के बाद हम लोग को फाइनली अपना पहला आइलैंड मिल चुका था। तो बेसिकली ये एक प्लेन्स बायोम का आइलैंड था जिसमें शीप्स एंड काउस दोनों थे जो कि हम लोग को काफी ज्यादा काम में आने वाले हैं। बट यार शीप्स को रखने के लिए अपने पास डर्ट ही नहीं था तो चले गए सबसे पहले हम लोग अपने घर वापस एंड जितने भी अपने पास डर्ट थे एंड ग्रेवल थे उसको कलेक्ट किया एंड सबको कोर्स डर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यार अपने पास ग्रेवल की काफी ज्यादा कमी थी तो हम लोग चले गए नेदर में जहाँ पे इन्फिनाइट ग्रेवल मिलता है एंड हमने काफी सारे ग्रेवल कलेक्ट कर लिए। एंड फिर भाई घर वापस आने के बाद हमने सारे ग्रेवल एंड डर्ट को कलेक्ट किया एंड उसको कोर्स डर्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर भाई हमने कोर्स डर्ट को प्लेस किया, हो की हेल्प से उसको नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट किया एंड ऐसे ही प्रोसेस को रिपीट करते गए जब तक कि अपने पास इनफ डर्ट ना हो जाए। और भाई मैं सच बता रहा हूँ ये वाला प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड इरिटेटिंग था पर यार कैसे भी करके हमने इस प्रोसेस को रिपीट किया एंड अपने पास 3.5 स्टैक ऑफ डर्ट हो चुके थे। एंड फिर भाई हमने अपना आइलैंड बनाना स्टार्ट कर दिया। सो बेसिकली हमने यहाँ पे 3 आइलैंड बनाए, 2 नॉर्मल आइलैंड एंड एक डर्ट वाला आइलैंड। एंड अपने पास सिल टच का शवल था ही तो उससे हमने बहुत सारे ग्रासेस कलेक्ट कर लिए प्लेन्स बायोम के आइलैंड से एंड उसको प्लेस कर दिया। फिर यार धीरे धीरे हमने सारे एनिमल्स को लाया एंड उनको ब्रीडिंग करवा दी और भाई अब अपने पास तीनों एनिमल्स है, मतलब अपने पास काउज है, शीप्स एंड पिग्स है। सो भाई अपनी स्टार्टिंग ही बहुत ज्यादा ऑसम हो चुकी थी बट यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, अपना कॉबलस्टोन जनरेटर बहुत ही ज्यादा स्लो था और बहुत ही ज्यादा अजीब था तो हमने कॉबलस्टोन जनरेटर को वहां से हटा दिया एंड उसके बाद हमने एक बहुत ही ऑसम सा कॉबलस्टोन जनरेटर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। वैसे वो अलग बात है कि हम ये ऑसम सा कॉबलस्टोन जनरेटर बना ही नहीं पाए और बस उस कॉबलस्टोन जनरेटर को तोड़ के हमने दूसरे जगह पे बना दिया। बट यार एक चीज अच्छा हो गया कि रास्ते में जो कॉबलस्टोन जनरेटर था उसको हमने हटा के साइड वाले प्लेटफॉर्म में कर दिया एंड यार इतने सारे आइलैंड बनाने की वजह से अपना सारा कॉबलस्टोन खत्म हो गया तो थोड़ी देर हमने कॉबलस्टोन की यहाँ पे माइनिंग कर ली। फिर यार हम लोग चले गए एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करने के लिए क्योंकि अपने टूल्स यहाँ पे नेदराइट के अभी तक नहीं थे। तो इनफ एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए एंड भाई जब हम लोग एंशिएंट डेब्रिस की माइन कर रहे थे तो काफी सारे हम लोग को गोल्ड भी मिल चुके थे जिसको जल्दी से हमने इनगट में कन्वर्ट किया एंड सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। फिर बस थोड़ी देर के बाद अपने सारे एंशिएंट डेब्रिस यहाँ पे स्मेल्ट चुके थे जिसको जल्दी से हमने कलेक्ट कर लिया एंड इन टोटल हमने 7 नेदरराइट के इनगट बना लिए। और भाई मुझे कम एंशिएंट डेब्रिस मिले थे जिसकी वजह से मुझे बस 3 ही नेदरराइट के इनगट मिल सके और भाई को 4 मिले, मतलब अब क्या ही कर सकते हैं यार। फिर मैंने अपने पिग्स एंड शीप्स को फीड करवाया एंड अपने पास खाने की थोड़ी बहुत कमी हो रही थी तो हमने सारे पिग्स को मार दिया। अब यार क्या कर सकते हैं, पापी पेट का सवाल है। तो यार इसके बाद मैं चला गया अपने सारे टूल्स को नेदराइट में कन्वर्ट करने के लिए बट मैंने शवल को नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत ही बेकार एन्चेंटमेंट थी एंड अपने पिकैक्स एंड एक्स को नेदराइट में कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे काफी सारे कॉबलस्टोन माइन कर लिए। तो यार काफी देर तक कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद अपने पास यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन हो चुके थे एंड अब फाइनली टाइम था अपने दूसरे सीक्रेट आइलैंड को लूट करने का तो हम लोग जल्दी से चले गए चेक करने के लिए। एंड भाई अपना नेक्स्ट आइलैंड था एक डेजर्ट आइलैंड जिसमें एक डेजर्ट पिरामिड भी था तो जल्दी से हमने उसको माइन किया बट भाई उसके अंदर बहुत सारे ही मॉब स्पॉन होकर रखे थे और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े नूब रहे हैं तो हम लोग सामने चले गए और अपना चेस्ट भी ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से सारे यहाँ पे लूट डिस्पॉन हो चुके थे बट बाकी जो चेस्ट थे उसको हमने लूटा
एंड उससे हमें डायमंड्स एंड गोल्डन इंचांटेड एप्पल मिल गए थे। फिर यार हमें पता चला कि भगवान अपने साथ थे, क्योंकि 3 क्रीपर के ब्लास्ट होने के बावजूद अपना लूट सेफ था। तो यार जल्दी से हमने लूट को कलेक्ट किया एंड चले गए अपने आइलैंड वापस। एंड यार वापस आने के बाद हमने अपने लूट को चेकआउट किया, जिसमें 10 डायमंड्स, 2 गोल्डन इंचांटेड एप्पल एंड 3 गोल्डन एप्पल थे। हाँ, और 2 सैडल भी थे, जिसका क्या करे वो हमें तो पता नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट डाउन करके जरूर बताना। बट भाई हमें एक बहुत ही यूजफुल सामान मिल गया था। अपने को मिल गई थी यहाँ पे 27 सैंड, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम था, जिसको हमने जल्दी से स्मेल्ट होने के लिए दे दिया, क्योंकि हम लोग को ग्लासेस चाहिए थे। फिर यार हमने अपने एक छोटे से स्टोरेज रूम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी जो अपना स्टोरेज रूम है ना, वो भरने लगा है। तो हमने अपने स्टोरेज रूम को काफी ज्यादा सिंपल रखा एंड कंप्लीट हो जाने के बाद हमने पूरे स्टोरेज रूम को चेस्ट से भर दिया। एंड फाइनल अपना स्टोरेज रूम यहाँ पे हो चुका था कंप्लीट, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। सो दूर से तो आप देख ही सकते हो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। एंड अगर आप अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पे सारी चीजों के लिए सेपरेट चेस्ट है, मतलब खाने के लिए अलग, पीने के लिए अलग, धोने के लिए, मतलब आप समझ रहे हो, सब के लिए अलग अलग चेस्ट है। एंड ऊपर में भी अपने पास एम्प्टी स्पेस है। अब इसका क्या करें दोबारा से हमें पता नहीं। फिर यार इसके बाद हम लोग चले गए अपने काउस शेप्स एंड पिक्स को फीड करवाने के लिए। एंड अपने पास करने के लिए दोबारा से कुछ भी नहीं था, तो हम लोग चले गए अपने तीसरे आइलैंड को लूटने के लिए। अब यार अभी तक हम लोग को एक प्लेन्स बायोम का आइलैंड मिल चुका था एंड एक डेजर्ट आइलैंड मिल चुका था, एंड फाइनली हमें स्प्रूस का आइलैंड भी मिल गया। एंड यार स्प्रूस के आइलैंड को देखने के बाद हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि स्प्रूस अपना फेवरेट वुड है। तो यार जल्दी से हमने सारे यहाँ के स्प्रूस वुड को कलेक्ट कर लिया एंड थोड़ी देर वेट किया सारे सैपलिंग्स के गिनने का। एंड फाइनली बस थोड़ी देर वेट करने के बाद अपने पास यहाँ पे 5 स्प्रूस के सैपलिंग एंड 2 स्टैक ऑफ स्प्रूस थे। और स्प्रूस से अपना प्यार थोड़ा ज्यादा ही है, तो घर में वापस जाने के बाद हमने फिर से स्प्रूस ट्री को प्लांट किया एंड थोड़े बहुत स्प्रूस वुड माइन करने लगे। और भाई हम लोग इतना स्प्रूस इसलिए कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि फ्यूचर में हम लोग एक मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। तो यार लिटरली काफी देर स्प्रूस माइन करने के बाद अपने पास यहाँ पे बहुत सारे वुड हो चुके थे, मतलब आप देख सकते हो अपने पास यहाँ पे बहुत सारे वुड एंड कोर्स डट दोनों थे। और भाई अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इतना वुड एंड कोर्स डट क्यों कलेक्ट कर रहे थे। सो यार आप देख सकते हो अपने विलेजर्स जो है ना, वो बहुत प्यारे और बहुत ही छोटे जगह पे रहते हैं, जो कि हमें देखा नहीं जा रहा था। तो हम लोग उनके लिए एक बहुत ही बड़ा विलेज बनाने का सोच रहे थे। तो यार अपना ये विलेज बनाने के लिए इन एनिमल्स को भी शिफ्ट करना था, तो हम लोग जल्दी से अपने विलेज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिए। देन मैं अपना विलेज कंप्लीट होने के बाद हमने सारे विलेजर्स को रात में एक एक करके शिफ्ट कर दिया उनके उनके अपने घर में, जो कि उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। एंड भाई फाइनली इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद लिटरली अपना यहाँ पे विलेज कंप्लीट हो चुका था, जो कि बहुत ही ज्यादा ही ऑसम लग रहा था। मतलब भाई यहाँ पे लिटरली 8 घर थे, जिसमें बहुत सारे विलेजर्स रह सकते हैं, और भाई सारे घर बहुत ही ज्यादा ऑसम थे। एंड हमने फ्लोरिंग को कॉबलस्टोन का चेंज करके ग्रास का कर दिया, जो कि और भी ज़्यादा नेचुरल फीलिंग दे रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक प्लेन्स बायोम के अंदर ही है। तो भाई हमें और हमारे विलेजर्स को ये विलेज बहुत ज़्यादा ऑसम लगा, और आपको कैसा लगा और 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। सो भाई इसके बाद हम लोग चले गए अपने लास्ट आइलैंड को चेक करने के लिए। एंड अपना लास्ट आइलैंड था एक विदर स्केलेटन का आइलैंड। मतलब यार जैसे कि आपको पता है कि अपने इस वाले नेदर में एक भी नेदर फोर्ट्रेस नहीं है, जिसका मतलब कि हम लोग विदर स्केलेटन हेड्स कलेक्ट नहीं कर सकते। बट यार अब इस आइलैंड की वजह से हम लोग विदर स्केलेटन हेड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और यार इसमें एक चेस्ट भी था, जिसको हमने जल्दी से ओपन किया, और उसमें डायमंड्स एंड विदर स्केलेटन के हेड्स ऑलरेडी रखे हुए थे। सो यार अपना तो काम भी बहुत ही ज्यादा इजी हो गया था। तो यार इसको देख के हम लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे एंड जल्दी से हम लोग अपने घर वापस चले गए। और यार जैसे कि अपने पास सब कुछ था, अपने पास पूरा नेदराइट का आर्मर था, अपने पास यहाँ पे स्वॉर्ड था, अपने पास ओपी बो था, एंड यहाँ तक कि गोल्डन इंचांटेड एप्पल भी था, तो हम लोग रेडी थे विदर्स के साथ फाइट करने के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग जल्दी से चले गए नेदर में, एंड वहाँ पे हम लोग जो माइन किए थे उसमें चले गए एंड वहाँ पे हम लोगों ने अपने विदर को स्पॉन कर लिया। और भाई मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग बहुत ही ईजिली विदर को डिफीट कर लेंगे, बट फिर भी मैंने एक गोल्डन एप्पल खा लिया एंड देन चले गए विदर के साथ फाइट करने के लिए। बट यार ये विदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग को काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। और भाई जब उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा कम था, तो वो लावा के अंदर घुस गया, और मैंने एक गोल्डन इंचांटेड एप्पल खा के उसको लावा के अंदर ही डिफीट करना स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे कि मैं माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा नूबड़ा हूँ, तो मैंने उसको लावा के अंदर ही मार दिया, और उसी के साथ ही साथ नेदर स्टार भी जल गया।
मतलब हाँ यार, अब आप ऑफिशियली कह सकते हो कि हम माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े नूब रहे हैं। तो भाई हम लोग बहुत ही ज़्यादा सैड थे, मतलब यार हम लोगों ने इतना मेहनत से विदर को डिफ़ीट किया था बट हम लोग को यहाँ पे नेदर स्टार ही नहीं मिला। तो यार इसी दुख के साथ हम लोग अपने घर वापस आ गए एंड अपने पिक्स शीप्स एंड काउस को फीड करवा दिया एंड उसके बाद थोड़े बहुत कॉबलस्टोन माइन कर लिए। और ऐसे ही करके वो वाली रात कब बीत गई हमें पता ही नहीं चला। सो यार फाइनली सुबह हो चुकी थी एंड अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे कॉबलस्टोन थे जिसको जल्दी से हमने स्लैब्स में कन्वर्ट कर दिया एंड अपने पास अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी थी तो हमने सोचा एक बहुत बड़ा ट्री फार्म बनाने का। तो यार जितना बड़ा अपना विलेज था उतना ही बड़ा ऑपोजिट साइड में हमने एक ट्री फार्म बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था एंड अब अपने को कभी भी वुड की कमी नहीं होने वाली। एंड यार जस्ट कि आप देख सकते हो कि अपने ट्री फार्म में यहाँ पे स्प्रूस के ट्रीज भी होंगे एंड ओक के भी होंगे एंड बीच में जो अपना ट्री फार्म था उसको हमने रिमूव कर दिया और वहाँ पे अपना बीकन होगा जो कि अपने पूरे आइलैंड को पावर देगा। और हाँ, इसका मतलब यही है कि हम लोग दोबारा से विदर को डिफीट करने वाले हैं। तो यार हमने हार नहीं मानी और चले गए दोबारा से यहाँ पे विदर को मारने के लिए एंड विदर स्केलेटन को हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मारा। और भाई पहले विदर स्केलेटन को मारते ही मुझे एक विदर स्केलेटन का हेड भी मिल गया, मतलब यार लिटरली ऐसा लग रहा है कि भगवान स्वयं अपने साथ है। तो भाई बस इसी के साथ ही हमने और भी बहुत सारे विदर स्केलेटन्स को मारा बट यार विदर स्केलेटन काफ़ी ज़्यादा कम स्पॉन हो रहे थे तो हमने यहाँ पे पूरे नेदर फोर्ट्रेस को ही तोड़ दिया और भी बहुत सारे विदर स्केलेटन्स को मारा एंड इसी के साथ फाइनली हमें अपना दूसरा विदर स्केलेटन का हेड भी मिल चुका था। बट यार तीसरा मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था और पूरी रात यहाँ पे विदर स्केलेटन्स को मारने के बाद अपने पास यहाँ पे तीसरा स्कल भी आ चुका था। अब यार नेदर में तो हम लोग विदर को डिफीट करने नहीं वाले थे क्योंकि यार कभी वो लावा में जा सकता है और अपना पूरा स्टार जो है वो जल सकता है, इसलिए हम लोग एंड चले गए। एंड यार एंड में हम लोग जाने वाले थे और ट्रिक लगा के अपने विदर को डिफीट करने वाले थे जिससे हम लोग उसको मारने की भी जरूरत नहीं है और वो इजिली स्टार भी ड्रॉप कर देगा। मतलब देख रहे हो हम लोग नूब हो सकते हैं बट दिमाग की कमी नहीं है। देन यार हमने पूरे होल को यहाँ पे डिग कर लिया एंड ऑब्सीडियन भी प्लेस कर दिए। अब बस हमें यहाँ पे सोल सैंड प्लेस करना था, देन हमने यहाँ पे हेड प्लेस कर दिए। बट यार विदर स्पॉन होने के साथ ही साथ यहाँ पे एक कचड़ा हो गया, यार विदर जो है वो बाहर चला गया था। मतलब यार लिटरली इसको डैमेज होके वहीं पे मरना था बट जब हम लोग उसके पास आए तो वो बाहर चला गया एंड भाई इसको हम लोग को फिर से मैन्युअली मारना पड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट था या तो हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इसको मारने के लिए, नहीं इसको हम लोगों ने इजीली मार दिया बट यार अपना प्लान तो फ्लॉप हो गया ना और शायद हम लोग के पास उतना दिमाग भी नहीं है। बट यार हम लोग को फाइनली यहाँ पे अपना स्टार भी मिल चुका था जिससे हम लोग अपना बीकन बना सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग घर अपने वापस चले गए एंड अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे सैंड थे जिसको हमने जल्दी से स्मेल्ट कर लिया एंड अपना बीकन भी बना लिया। और भाई इतने वक्त तक अपना आयरन फार्म बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था जिसकी वजह से अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे आयरन के ब्लॉक्स थे एंड बहुत सारे गोल्ड के भी ब्लॉक्स थे और थोड़े बहुत हमने और आयरन के ब्लॉक्स बनाए एंड चले गए बीकन बनाने के लिए। फिर यार हमने अपना बीकन बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर यार आधे रास्ते में हमें पता चला कि हम लोग बहुत बड़े भिखारी हैं और अपने पास उतना ब्लॉक्स नहीं एक बीकन को कम्प्लीट करने के लिए और इसका मतलब था कि हम लोग को आयरन फार्म में AFK करना पड़ेगा। तो मैं चला गया थोड़े बहुत AFK करने के लिए एंड फाइनली अपने शवल को नेदराइट का कर लिया। और यार जब तक ये आयरन फार्म AFK हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पे एक शुगर केन फार्म भी बना लिया क्योंकि अपने पास डेडिकेटेड शुगर केन फार्म नहीं था। तो मैंने दोनों साइड में एक एक शुगर केन फार्म बना लिया एंड अब हम लोग लाइब्रेरियन के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। एंड यार फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमने अपने आयरन फार्म को चेक किया एंड अपने पास बहुत सारे आयरन हो चुके थे जिसको हमने जल्द से कन्वर्ट कर दिया ब्लॉक्स में एंड अपने बीकन को कंप्लीट कर लिया। देन यार बीकन को प्लेस करने के बाद हमें एडवांसमेंट भी मिल चुकी थी और भाई अब अपने को बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। देन इसके बाद हमने यहाँ पे हेस्ट एंड रीजनरेशन ले लिया और भाई ये बीकन का रेंज बहुत ज़्यादा था क्योंकि पूरे आइलैंड में अपने पास यहाँ पे रेंज आ रहा था। सो यार अब अपने पास सब कुछ था बट यहाँ पे फाइनली हम लोग को पोटैटो एंड वीट फार्म बनाना था जिसके लिए हमने एक छोटा सा आइलैंड साइड में बना लिया एंड आइलैंड कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे पोटैटो एंड वीट के लिए फार्म्स बना लिए। एंड यार फाइनली अपने दोनों फार्म्स यहाँ पे हो चुके थे रेडी, अपना पोटैटो का फार्म भी रेडी हो चुका था एंड अपना वीट फार्म भी रेडी हो चुका था और अपने पास एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म भी था। एंड भाई ऐसे करके अपने 100 यहाँ पे हो चुके थे कंप्लीट। वीडियो कैसे लगी कमेंट डाउन करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और भाई आप ये सब वीडियोज भी देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है।